देखिए, ये लोकतंत्र की जीत है और कुंडी की महान जनता ने भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा किया है, उसी का गुलाल है। कल तक जनता दल यूनाइटेड के लोग कह रहे थे भारत मुक्त भाजपा होगी, इसकी शुरुआत कुंडी करेगी। कुंडी ने उल्टे नीतीश मुक्त का जो संकल्प है भाजपा का, उसकी शुरुआत कर दी। अब तो केदार जी की क्या औकात है बिहार की जनता देख ली। केदार जी के साथ भाजपा की औकात थी, भाजपा और केदार जी अब बड़े होकर सामने आए हैं। अब जाकर उनको पूछना चाहिए कि जनता दल यूनाइटेड की क्या औकात रहेगी, ये पता कीजिए। जिस प्रकार से इन लोगों ने पिछले बार बेचारे जीते हुए थे और इन लोगों ने बेईमानी करके हराया था, और नीतीश कुमार को ये बताना चाहेंगे कि बिहार की जनता अब स्पष्ट रूप से ये बता चुकी है कि पूरा बिहार की जनता का जनमत बहुमत अब भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मुकेश सहनी जब से राजनीति में आए हैं लड्डूए लेके चलिए रहे हैं, उनको जिंदगी भर यही लड्डू मिलते रहेगा। हम कहेंगे जाके लड्डू चढ़ा है महावीर जी पे कि महावीर जी सद्बुद्धि दे कि बेटा बिजनेस मत करो, ये राजनीति है, राजनीति में जनता वोट देती है। सन अप मल्लाह कहने से मल्लाह सन, मल्लाह के सन नहीं हो जाएंगे, मल्लाह के सन जो है बीजेपी में भी बैठे हुए हैं। हम लोग बीजेपी कार्यालय में हैं और नेता विरोधी दल जो है विधान परिषद में सम्राट चौधरी जी हैं। जीत हो गई है सर, जीत का गुलाल आपके चेहरे पे लगा हुआ है। देखिए, लोकतंत्र की जीत है और कुंडी की महान जनता ने भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा किया है, उसी का गुलाल है। और नीतीश मुक्त, कल तक जनता दल यूनाइटेड के लोग कह रहे थे भारत मुक्त भाजपा होगी, इसकी शुरुआत कुंडी करेगी। कुंडी ने उल्टे नीतीश मुक्त का जो संकल्प है भाजपा का, उसकी शुरुआत कर दी। कल एक बयान आया था सर कुशवाहा जी का, अंतिम दिन की जो कैंडिडेट थे केदार जी को कह रहे थे कि औकात में रहिए। अब तो केदार जी की क्या औकात है बिहार की जनता देख ली। केदार जी के साथ भाजपा की औकात थी, भाजपा और केदार जी अब बड़े होकर सामने आए हैं। अब जाकर उनको पूछना चाहिए कि जनता दल यूनाइटेड की क्या औकात रहेगी, ये पता कीजिए। कई पार्टियों का समर्थन रहा, चिराग जी का समर्थन रहा, पृथ्वी कुमार माली का समर्थन रहा, क्या कहना? नहीं, सभी लोगों के समर्थन, हम लोग तो सबके साथ, सबके विकास की बात करते हैं, सबके विश्वास की बात करते हैं, और एनडीए का मतलब भाजपा होता है, ये प्रूव हो गया। चलिए, तो सम्राट चौधरी है, साफ कहना है कि ये जो बधाई है वो बीजेपी की जीत है और भारतीय जन परिवार पार्टी साथ में जो लोजपा है उनका भी समर्थन था, लोजपा राम विलास का। और सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि अब मनोज कुशवाहा को उनके औकात के बारे में कुंडी की जनता ने जो है एक तरह से बता दिया है। यहाँ महिला विंग के जो है कई लोग हैं और उनसे भी हम लोग बात करने का कोशिश करेंगे। आप लोग के चेहरे पे जो है जीत का गुलाल लगा हुआ, क्या कहना चाहेंगे कुंडी की जनता को? कुंडी की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे और केदार गुप्ता जी को भी बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देंगे। जिस प्रकार से इन लोगों ने पिछले बार बेचारे जीते हुए थे और इन लोगों ने बेईमानी करके हराया था, और नीतीश कुमार को ये बताना चाहेंगे कि बिहार की जनता अब स्पष्ट रूप से ये बता चुकी है कि पूरा बिहार की जनता का जनमत बहुमत अब भारतीय जनता पार्टी के साथ है, नरेंद्र मोदी के साथ है, अमित शाह जी के साथ है, संजय जायसवाल जी के साथ है। और नीतीश कुमार को ये भी बताना चाहेंगे, चूंकि एक महिला कार्यकर्ता होने के नाते, कि जो भ्रम पाल के रखे हैं नीतीश कुमार जी की, अब होम डिलीवरी हो रहा है और घर के लोग दारू पी करके, गरीब जनता यहाँ की जिसको पकड़ के ये जेल में बंद करके रखते हैं और जितना कमाता नहीं है उससे ज़्यादा उसका केस लड़ने में जाता है, और ये सारा शराब दारू जो है मालखाना में थाना में रखे हैं, थाना के लोग दारू पी रहे हैं, इनके मंत्री अफसर को दारू पिला रहे हैं, लड्डू भी बन रहा है, शासन चला रहे हैं, किनका लड्डू बन रहा है? कई जगह बन रहा है लड्डू। मुकेश सहनी जब से राजनीति में आए हैं लड्डूए लेके चलिए रहे हैं, उनको जिंदगी भर यही लड्डू मिलते रहेगा। हम कहेंगे जाके लड्डू चढ़ा है महावीर जी पे कि महावीर जी सद्बुद्धि दे कि बेटा बिजनेस मत करो, ये राजनीति है, राजनीति में जनता वोट देती है। सन अप मल्लाह कहने से मल्लाह सन, मल्लाह के सन नहीं हो जाएंगे, मल्लाह के सन जो है बीजेपी में भी बैठे हुए हैं, इसलिए
इनको गलत फहमी है कि यही एगो मल्लाह है, सन ऑफ मल्लाह। यहाँ इतने सन है यहाँ बैठे हुए मल्लाह के कि उनको आपकी बाजा बजा दिए है वहाँ। माछ भात जिंदा भात। हाँ, अब माछ भात तो आप जानते हैं मिथिला का है ही प्रचलन। देखो ये का मत भात खाते हैं, हम तो हम मिथिला के ब्राह्मण है, जितना माछ भात हम खाते हैं उतना ये खैबो नहीं किए होंगे, सपना देखेंगे, ये तो बेचते हैं हम खाते हैं। चलिए, तो बीजेपी की महिला मोर्चा की सदस्य हैं और इधर सम्राट चौधरी भी थे, साफ कह रहे हैं कि जो लड्डू लेकर के मुकेश सहनी घूम रहे हैं वो लड्डू जो है अब कचरा में फेंका जाएगा। जनता जंक्शन आप देख रहे हैं।